कितनी बड़ी सजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया, हमसे 370 छीना, हमसे 35 छीना, हमसे स्टेट छीनी। वो लोग कहाँ हैं, वो सियासी लोग जो चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले थे या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस। शेख साहब चीफ मिनिस्टर क्यों बना? डॉक्टर फारूक साहब कल गए पार्लियामेंट में, क्या उन्होंने इसके बारे में एक बात की? कहाँ पे क्या वजह है कि हम इस चीज को ओवरकम नहीं? देखिए, हमारे सियासतदान ने हमको सच नहीं कहा है, राइट फ्रॉम 1947 आज तक जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे आई उन्होंने अपना जो विजन दिया, आप उन सारे विजन पे सवाल आप देखे ना, नतीजा आपके सामने है। सर, हम इस मुसीबत में भी उस विजन का देखिए, मैं आपको बोलूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहा, मैं कांग्रेस में रहा, मैं क्या चीज प्रोटेक्ट करोगे, किस चीज का प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो? आपके हाथ में क्या है जिस चीज को आप प्रोटेक्ट करोगे? अभी आप पार्लियामेंट में जाके तो बोलो ना कुछ बात, वहाँ आपने सीधा सरेंडर किया है। सर, बुका डिक्लेरेशन का आप अपनी पार्टी का नाम मानना, उसके पीछे मानने की बात नहीं है। देखिए, बात तो ये करनी पड़ेगी, इस जिस पार्टी ने इसको लिया वो पार्टी हमें वापस को नहीं देगी। इनफैक्ट कांग्रेस ने जो लिया कभी वापस किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेके खास मुलाकात। और आज हम जिन शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सियासी शख्सियत है हमारी स्टेट के। आपने सुना होगा कि रिसेंटली हमारी स्टेट में एक नई पार्टी बनी थी जिसका नाम है अपनी पार्टी। तो हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उस्मान मजीद साहब, और आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इनके लंबे सियासी जो करियर है उसके बारे में भी, और आगे जो अभी जो आने वाला है फ्यूचर उसके बारे में भी जानेंगे कि इनका क्या राय है, क्या रद्दोअमल है। तो उस्मान साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। और उस्मान साहब, आपका बहुत लंबा एक सियासी करियर रहा है और इसमें आपने कई मरहले देखे हैं, कई डिफरेंट पार्टीज के साथ काम किया है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका अपना इस पॉलिटिक्स को लेके या इस जो हमारी स्टेट का जो हालात हाजिर रहा है इसको लेके आपका क्या ख्यालात हैं, या आप क्या सोचते हैं कि हमारी स्टेट कहाँ थी, कहाँ पहुँची, कहाँ पहुँचने वाली है? देखिए शाहिद साहब, जहाँ तक मेरे सियासी करियर का सवाल है, मेरी सियासत का सवाल है, मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में सियासी तौर लोगों को, सियासी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में गुमराह कर दिया है, और मैं भी उसी चीज़ का एक प्रोडक्ट हूँ। और कई मरहले जैसे आपने बोला मैंने तय किए, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ 81 से जुड़ा हूँ, तब तो मैं बिल्कुल स्टूडेंट पॉलिटिक्स छोटा बच्चा था। मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सियासी तौर लोगों को समझाएं कि हम सब उनके भलाई के लिए क्या है, क्योंकि आप जानते हैं पहले इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट जीता है। इंडिपेंडेंट क्यों जीता है? बांडीपोरा जैसी जगह में जहां लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वहां उन हालात में इलेक्शन जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था, पीडीपी था, कांग्रेस था, और भी लोग थे, लेकिन लोगों ने मुझ पर यकीन किया। यकीन क्यों किया? मैं हमेशा इस बात का रहा हूँ कि मैंने हमेशा सच बोला है, और मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हमने सच्ची सियासत की शुरुआत करनी है, और वही सच्ची सियासत लेके मैं आज तक यहाँ चला हूँ। अब हमने अपनी पार्टी बनाई है, और जो कुछ मैं 95, 94, 90 से कह रहा था आज हम उसी पे आ गए, और आज हर कोई यही बात कर रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरी जीत है, मेरी उस्मान साहब ये अब जैसे हम अब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, जो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा उस्मान मजीद साहब की अपनी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी अपनी सोच क्या है। ठीक है, आप अलग अलग पार्टीज के साथ रहे, लेकिन आपकी सियासत को लेके या आपकी अपने बारे में या आपकी ओवरऑल सोच क्या है? ओवरऑल देखिए, मैं आपको बताऊं शाहिद साहब, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है मिस हो रहा था वो ये कि हमारे सियासतदानों ने हमारे बोली बाली आवाम के साथ हमेशा इस्तेमाल किया है, और फॉर देयर ओन पोलिटिकल गेंस उन्होंने यहाँ पॉलिटिक्स की है। और जब से अगर हम सियासी पस मंज़र में देखें, पीछे इतिहास की तरफ देखें, तो आप देखिए वक्त वक्त पे उन्होंने लोगों को धोखे में रखा खोखले नारों की वजह से। वही मेरी सियासत है कि जो कहना है सच कहना है, और दूसरा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक ज़माने में आज़ादी मांग रहे थे, 353 की पोजिशन को बहाल करो, ये भी नारा था।
फिर आज़ादी मांग रहे थे, फिर बंदूक उठा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगे, ऑटोनॉमी के नारे लगे, सेल्फ रूल के नारे लगे, और भी कहीं चीज़ों के नारे लगे, लेकिन हमेशा हमको सज़ा मिलती रही, एक एक कदम हम नीचे आए न कि ऊपर गए। तो सुनिए, तो वही कारण है कि मैंने अपने मैंने कहा द बेस्ट वे टू सर्व द पीपल इज टेल देम ट्रूथ, और यही मेरी आइडियालॉजी है कि मैं ये कहता हूँ जो कुछ है वो है, जिस जहाँ हमारी पोजीशन है इसको दुनिया भी चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं चेंज कर सकता है। और लेकिन जब तक कि जबकि हमारे आवाम को जो पॉलिटिशियन ने एक्सप्लॉइट किया है, उस वजह से कहीं लोगों के जज्बात, लोगों के एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया है, उसी सियासत का नतीजा है कि आज हम 4G भी मांग रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये मैं एक जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने एक बात की कि आपकी एक सियासत है, लेकिन इस सियासत की वजह से ही आज सिचुएशन यहां तक पहुंची है, ये पार्टीज रही हैं, ये क्या आपको लगता है इसमें कोई विजन की कमी रही है या अच्छे लोगों की कमी रही है, तो इसमें क्या वजह है, क्या इसमें आपको अपने आप को भी उस गुनहगार गुने में शामिल मानते हैं? जो शायद साहब के इन सवाल के साथ मैं इजाफा करना चाहूंगा, सर मेरा सवाल भी यही था, आपके अपने तजुर्बात अपने मुशाहिदात से क्या अक्स किया जा रहा है कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि लोगों का हर दौर में इस्तेक्साल होता आया है, आपके नुक्ते नज़र से क्या वजूहात ऐसी रही हैं कि ऐसा ही होता चला गया, इसमें बेहतरी नहीं आ सकी? देखिए यहाँ तो मुझे लग रहा है जब मिलिटेंसी में, पहले 90 की बात करूँ, 90 में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद एक वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ खड़ा हो गई। अच्छा, कोई नहीं चाहता था यहाँ अमन आ जाए, आज भी मुझे ऐसे फोर्सेज नज़र आ रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कश्मीर में अमन हो, जस्ट नॉट टू बिकम अकाउंटेबल, एक ही है, क्योंकि इसको हम जो स्टेटस हमको मिला था इट वॉज नॉट यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, इट वॉज यूज फॉर द पर्सनल गेन्स, लोगों ने अपने मकसद के लिए, सियासतदान ने अपने मकसद के लिए नारे दिए और ये नहीं देखा कि हमारा फ्यूचर कल क्या होगा। अच्छा, आज देखे ना हमारे फ्यूचर के साथ क्या हुआ है, कितनी बड़ी सजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया, हमसे 370 छीना, हमसे 35 छीना, हमसे स्टेट छीनी, और हम कहां से कहां पहुंचे, वो लोग कहां है, वो सियासी लोग जो चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले थे या मैन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, चाहे वो रीजनल फोर्सेस थे, बिल्कुल मैं तो मैन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को भी इसमें इल्जाम चढ़ाता हूं, जिन्होंने वक्त वक्त पर लोगों को धोखा दिया है, और किसी सियासदान ने आज तक सच नहीं बोला है कि हिंदुस्तान के साथ इलाके ही कटने वाला नहीं है। और आप अगर देखें शेख साहब से लेके, शेख साहब चीफ मिनिस्टर क्यों बना, क्या मजबूरी होगी उसको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर था, यहां तो ऑटोनॉमी तो हमारी 50वीं की शुरू की उसमें दहाई में खत्म हो गई, और फिर अनफॉर्चुनेटली आज तक कश्मीर के आवाम को हमने कभी नहीं बोला आर्टिकल 370 जो है ये टेम्परेरी है, ये ट्रांजिटरी है, ये आएगा जाएगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगा कभी कोई भी ला यहां ला सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें परमानेंट नहीं था, और आज तक किसी आवाम को पता थी जब तक नहीं, परसों लास्ट ईयर पार्लियामेंट में जब डिबेट हुआ इस पर पूरा, क्योंकि एक जमाना था हमारे लोग नाखांदा थे, हमारे बुजुर्ग नाखांदा, उनको तो ये नहीं, उन्होंने नारा दिया अल करेगा वंगन करेगा, ये वापस खोज गए तकदीर उनके हवाले किया, और उनने क्या किया वो दूसरी बात है, अब उसमें बड़ा लंबा चौड़ा बहस है, वो क्या है, फिर आप बीच बीच में एक्सेप्ट, आज भी पार्लियामेंट में देखो ना, आज डॉक्टर फारूक साहब कल गए पार्लियामेंट में, क्या उन्होंने इसके बारे में एक बात की, पहले क्या था मुझे बंद रखा, अब देखो जी मैं क्या करूंगा, और इन उल्टा हम कह रहे जो कहां पे हुई, क्या वजह है कि हम इस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते? देखिए हमारे सियासतदान ने हमको सच नहीं कहा है राइट फ्रॉम 1947, अगर सच किया होता यहां कब्रिस्तान नहीं बनते, अगर सच कहा होता शायद कश्मीर की पोजीशन ये नहीं होती, और हमको वक्त वक्त पे सजा नहीं मिलता, हमको सजा मिला, ऑटोनॉमी गई, 370 गया, 35 गया, आजादी वाले कहां है, ऑटोनॉमी वाले कहां है, पाकिस्तान वाले कहां है, सजा मिला ना, यूटी बन गई, ये सिर्फ सियासत की वजह से, उसी सियासत को अगर हम देख ले, सियासतदान ने कभी ये दूर की नहीं सोची है, उन्होंने हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स का किया, पॉलिटिक्स में एक लीडर का ये होता है ही शुड हैव अ विजन, ही शुड वर्क फॉर द फ्यूचर प्रेजेंट। सर आप
आज तक जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे आई उन्होंने अपना जो विजन दिया, आप उन सारे विजन्स पे सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए ना, नतीजा आपके सामने है। अगर इनने विजन से काम किया होता शायद नतीजा ये नहीं होता। लेकिन सर, हम इस मुसीबत में भी उस विजन का, देखिए मैं आपको बोलूं, मैं इंडिपेंडेंट रहा, मैं कांग्रेस में रहा, मैंने कांग्रेस में बहुत बार आवाज उठाई। मैंने कहा अगर जिस गुनाह में, जो गुनाह हम बीजेपी के सर पे चढ़ा रहे हैं, ये गुनाह सबसे ज्यादा तो आपने किया है शुरू में, तो मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी को क्यों छोड़ा? क्योंकि मैंने उनको बहुत बार उनसे बात की है। अब मैंने कहा लंबी बात है, किस तरीके से मैंने खत किताब उनके साथ किया है। मैंने कहा यू ऑल्सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमसे गलती होगी, माफी मांगो, लोगों को दिल्ली से लाभ माफी मांगो। अगर आप इतने हमदर्द हो, कहो हमारी सरकार आएगी, हम 370 को कल बाहर करेंगे। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? वो थोड़ी जम्मू कश्मीर की तीन सीटों के, कश्मीर की तीन सीटों के लिए वो कुछ इनको प्रॉब्लम है, उनको तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में आवाम। और यही हमारा, मुझे अफसोस है यहाँ रीजनल पार्टियों पे, जिनको इतनी बार हुकूमत मिली है, जो किसी न किसी तरीके से मरकज के साथ मिलकर यहाँ हुकूमत की है, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को धोखे में रखा, आज भी कह रहे हैं हम प्रोटेक्ट करेंगे 370 को। क्या चीज़ प्रोटेक्ट करोगे? किस चीज़ का प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो? आपके हाथ में क्या है जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करोगे? अभी आप पार्लियामेंट में जाके तो बोलो ना कुछ बात। वहाँ आपने एक सीधा सरेंडर किया है, जो आप कह रहे हैं डिक्लेरेशन गुप्ता डिक्लेरेशन, यही चीज़ें। ये आवाम आज वो आवाम नहीं है माई डियर, आज आवाम वो नहीं है। आज आवाम पढ़ी लिखी है, सब मोबाइल वगैरह, ये सोशल मीडिया। आज नौजवानों को मेरी बात जो ठीक नहीं लगी वो डाइजेस्ट नहीं होगी, कैसे डाइजेस्ट करेंगे? सर, गुप्ता डिक्लेरेशन का आप अपनी पार्टी का नाम मानना, उसके पीछे क्या? मानने की बात नहीं है, देखिए बात तो ये करनी पड़ेगी, इस जिस पार्टी ने इसको लिया वो पार्टी हमें वापस को नहीं देगी, ये फैक्ट है। कांग्रेस ने जो लिया कभी वापस किया? अब उन्होंने कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर 12 बार इसकी अमेंडमेंट किया है, क्या उन्होंने उनमें से एक चीज वापस लाया? शेख साहब ने अपने वक्त में 75 में कमेटी बनाई कि ये देखो कौन सा ला दिल्ली से जो आया ठीक है गलत है उसको हम हटाएंगे, वहां से कमेटी का रिपोर्ट आया, सब ला ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर उस्मान साहब, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे अभी हमारे पास में तो बहुत सारी चीजें होगी, अब आपने एक नई पार्टी बनाई है, तो क्या विजन लेके हम आ रहे हैं इस पार्टी के साथ, और क्या विजन है आपका इस पार्टी के साथ? और मैं इस पे एक बिल्कुल पॉइंटेड पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल जो हम अगर डिफरेंट चीजों को लेके चले, कि जैसे एजुकेशन को, इकोनॉमिक्स को लेके, आज इकोनॉमिक्स को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने कोई ओवरऑल विजन तैयार किया है, वो क्या है अगर आप जनता को बताना चाहें? देखिए मैं आपको बता दूं, हम सब जमा हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों में आके, जिन्होंने ये सोचा कि वक्त की जरूरत है, हम घड़ी की सोई को पीछे नहीं ले सकते हैं। अगर 370 कोई भी लाएगा, वापस लाएगा, हम इसको पहले होंगे जो वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आपको ये इसमें वक्त ज़ाया करना है, जैसे हमने 5-70 साल में तबाही की, रिवर्स गियर लगाया हर चीज़ में, और हम वहीं रहे, दुनिया को हम पूरी तरह नहीं पकड़ पा रहे हैं जिस तरीके से आगे दुनिया बढ़ी, तो हमने कहा कि हम इनको, हमारे पास इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम अपने प्लेट अपने अपनी पार्टी जिसके अल्ताफ़ साहब सदारत कर रहे हैं, वहाँ जाके हम इन लोग इन इश्यूज़ को उजागर करेंगे, ताकि कुछ ना कुछ, देखिए हम तो ये नहीं कहेंगे ये खून के नदियाँ बहेंगे अगर तुम 370 हटाएंगे, और जब हटा तो किसी ने बात नहीं की, उनसे भी पूछ जो कह रहे हैं कि यहाँ कोई कंधा देने वाला झंडा को नहीं मिलेगा, जब ये वो हमारा 370 का झंडा, जब हमारे कश्मीर का झंडा उतरा, किसी ने कुछ बात नहीं की। हम कहते हैं कि हमने जो बात करनी है दिल्ली वार से ही मिल सकता है, हमें किसी और से नहीं मिल। इसीलिए हमने जब पार्टी बनाई, हमारे पास एक एजेंडा था। सबसे पहले आपके पास स्टेट की प्रॉब्लम है, जो स्टेट हमसे छीनी गई अनफॉर्चुनेटली, उस स्टेट को तो वापस लाना है, वो तो किसी ने किसी को तो इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। अगर हम इसी में बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा सब कुछ जो मर्जी ये करें, लोगों को तकलीफ और बढ़ेगी, लोगों को तकलीफ कम नहीं होगी। तो हमने कहा जो हुआ है अभी इसको सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ो, इससे सुप्रीम कोर्ट कल क्या बोलता है वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसके बाद जिंदगी को आगे बढ़ाना। लोगों के मसले मसाइल है, यहां इकॉनमी परेशान है, शेम्बल्स में है, यहां स्टेट आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहां आपके डोमिसाइल लॉ में चेंज की जरूरत है, यहां आपके लैंड राइट्स की बात है, यहां आपके एम्प्लॉयमेंट की बात है, यहां आपका हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, रोड्स की हालत, पानी की हालत, कोई ऐसी चीज मुझे, ट्रांसपोर्टर्स की हालत, कोई ऐसी चीज है जम्मू कश्मीर पिछले एक साल से तबाह बर्बाद नहीं हुआ है।
इसमें हमारा बाज़ाब्ता हमने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी हम इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसके लिए कोई लार्जर प्लान आप लोगों ने? हमारे पास है, आप अभी देखो हमारे मैनिफेस्टो है आपका अभी आया है। देखिए इट्स अ मैटर ऑफ चांस, वी आर रिक्वेस्टिंग पीपल कि इलेक्शन होता है तो हमें आप वोट दो। हम वो दकियानुसी सियासत नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे गाड़ी को आगे बढ़ाना और सच्ची सियासत करेंगे। सच के सिवा कोई चारा ही नहीं है। झूठ बोलेंगे लोग हमारे नजदीक नहीं आएंगे, क्योंकि झूठ 70-72 साल में काफी सुना जम्मू कश्मीर के आवाम को। इसलिए हमारा हमने जो मैनिफेस्टो उस वक्त आपको दिया वो पेपर में आया, आपके सामने लोगों के डोमेन में है। वी विल वर्क ऑन एवरी इशू विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ। सर वो एक प्रॉब्लम है जो हमेशा से रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, कि मैनिफेस्टो बहुत ही जर्नलिस्टिक होते हैं, मतलब पॉइंटेड उसमें चीजें नहीं लिखी गई होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम लिखेंगे, इवन हमारे नेशनल पार्टी जो बीजेपी है, कांग्रेस है, इनके भी मैनिफेस्टो पॉइंटेड नहीं है। बोलेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा इन इश्यू पे करेंगे, पर क्या करेंगे इसके बारे में कभी गहराई से बात नहीं की जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पार्टी ने एक लार्जर विजन तैयार किया हुआ है कि सिर्फ एक वो जर्नलिस्टिक बात हुई है? कई चीजें ऐसी है जो हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे जी। हमने जब शुरुआत पार्टी की, अनफॉर्चुनेटली कोविड के उस चक्कर में फंस गए। 8 मार्च को पार्टी लॉन्च हुई और उसके बाद कोविड का ऐलान हुआ, तो उस वजह से हमें कभी चीज़ में ब्रेक लगी। हम वो पॉलिटिकल एक्टिविटी और उस चीज़ को अभी शेप पूरा नहीं दे पाए जो हम करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी है। यू विल सी इन द फ्यूचर कि एवरी इशू वी आर गोइंग टू टच जो लोगों की भलाई का है, इकॉनमी। पर इसमें सर एक जो बड़ा सवाल है, जो आपने पहले खुद उठाया सवाल कि हमारे सियासतदानों ने हमें फेल किया है। अब आपकी पार्टी में ज्यादातर वो लोग आए हैं जो पहले से ही किसी सियासत के साथ, किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। आपने इसमें कितने फ्रेश ब्लड और कितना फ्रेश टैलेंट को डालने का सोचा है? क्योंकि अभी ओवरऑल हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है वही पुराने लीडर खड़े हैं जो पहले भी हमें 20-25 साल से हमारे साथ, हमको देखते आ रहे हैं, चाहे कभी कांग्रेस में थे, कभी पीडीपी में, कभी एनसी में, लेकिन वही दिख रहा है। क्या कुछ फ्रेश ब्लड को भी लाने का आपने इसमें किया है? अट्रैक्ट कैसे करेंगे आप नए चेहरों को? 100% हम यूथ पे फोकस करेंगे और ऐसे लीडर्स को लाएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, जो कल वाकई जम्मू कश्मीर या कहीं भी क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के काबिल हों। जहां तक दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से आने का सवाल है, देखिए पॉलिटिकल लाट अभी आपके पास है। जहां किसी को सही तरीके से सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा, वो तो कहीं ना देखेगा कि मुझे सियासत अपने मन में, अपने विजन के हिसाब से, अपने अकल के हिसाब से। अब तो इसलिए आई एम श्योर जो हमारे साथ, मैं भी कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस की लाइन तो कुछ और है, हमारी अब सियासत कुछ और है जो आप देख रहे हो। इसमें ये नहीं है कि आप क्या कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं पुरानी शराब नई बोतलों में, वो बात नहीं है। वी जो दोज हु हैव जॉइंड अस आर वेरी गुड पॉलिटिकली, वेरी साउंड। आम लोगों की अगर बात करें, आम लोग, एक वो तबका हो गया जो ग्राउंड लेवल पे जो वोटर है आपका, आज तक जितनी भी सियासी पार्टियां आई, जितने भी मिनिस्टर्स आए या जितने भी MLAs वगैरह आए, उन्होंने जो वादे उनके साथ किए कभी वो वफा नहीं हो सके। और इसकी वजह ये हो गई, इसकी बाद में कारण, इसका रिजल्ट ये निकल गया कि लोगों का जो भरोसा था उन पे वो उठ चुका है। तो अपनी पार्टी लोगों में वो भरोसा कायम करने के लिए क्या लाया? देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लोगों को सियासतदानों पे विश्वास क्यों उठा? क्योंकि उन्होंने उन इश्यूज को उठाया जो कि आम इंसान को हिट नहीं करता था। अगर उसने आम इंसान के जूते में अपना पैर डाल के देखा होता, शायद वो लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़े। वोट तो हमको लोग देते थे, लोग हमें वोट देते थे अपने इश्यूज को हल करने के लिए। लेकिन जहां आप उन इश्यूज को छोड़ पे उन इश्यूज पे जाते हो जो आपके बस की बात नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, आप नेचुरली डाइवर्ट कर रहे थे। यही वजह है कि यहां इस वक्त सबसे जो परेशानी में रहा है वो पॉलिटिकल, अपनी पार्टी लोगों का वो भरोसा वापस कैसे? 100 आप देखो अभी हमारी मुहिम शुरू हुई है, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई आलतू फालतू करें, अच्छे लोग करें, पढ़े लिखे ज्वाइन, बोथ इन जम्मू एज वेल इन कश्मीर। देखिए मैं तो ग्रास रूट लेवल का आदमी, मैं तो फुट सोल्जर हूं, मैं जमीन से उठ के आया। मैं कोई सोने के चमचे में सियासत पैदा करके सियासत नहीं कर रहा हूं, मैं तो जमीन से लोगों के साथ एक एक चीज लोगों के साथ रह के किया है। और लोग आज भी, कल मैं अपने क्षेत्र में था, इर्द गिर्द लोग अपना काम, कभी किसी को फोन, कभी किसी की सिफारिश, कभी कुछ सिफारिश। दिस इज व्हाट इज माय पॉलिटिक्स, आई एम लीस्ट बदर्ड व्हाट इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू डू।
I am bothered about the problems, issues of my people, those who are facing, they are, which they are facing every day. और इस सारे सिनेरियो में सबसे ज्यादा अगर कुछ पिछड़ा हुआ तबका इस वक्त अगर देखा जाए तो वो नौजवान तबका है जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको ज़हनी कोफ्त से भी दो चार हो रहा है। मैं आपको मिसाल दूं कि कैसे आप, मैं आपको मिसाल दूं, अभी बैंक के बारे में बोला गया कि बैंक में अपने रिक्रूटमेंट जो हुई है वो खानदानी बुनियाद पर और उसमें उसमें अपने पॉलिटिशियन ने अपने इनको तरफदारों को लगाया, यही तो है, इसी वजह से नौजवान पीछे रहे हमारे खिलाफ बगावत की नौजवानों ने। अगर हमने वाकई उनको चांस दिया होता, दोज हु डिजर्व दे शुड गेट द ड्यू, जिनको हक नहीं है आपने उनको कुर्सी में उनको बिठाया, नौकरी में बिठाया, क्योंकि ये आपके अपने रिश्तेदार हैं, ये आपके खानदान के हैं। तो यही वजह है कि यहां, लेकिन हम आपको यकीन दिले हैं कि ऐसा नहीं होगा हमारी पार्टी में, नेवर नेवर। पर उस्मान साहब, एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है जिसे भी अपत करें, हमारा सारा जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक है कि किसी तरह इलेक्शन जीत जाए, और उस टाइम पे बहुत सरगर्मी होती है, जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद सारी चीजें बैठ जाती हैं और अपने आप खत्म हो जाता है। जब तक बिल्टअप होता है इलेक्शन की तरफ, तब सब एक एक जोश के साथ हम देखते हैं, लीडर्स भी दिखते हैं, सब दिखते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं, जो जीत जाते हैं वो मिलते नहीं है, जो हार जाते हैं वो बोलते हैं अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो होता क्या है कि अभी तक जितनी भी सारी पॉलिटिक्स चल रही है वो इलेक्शन सेंट्रिक है, कि जैसे भी मैं बात कर रहा था कि पॉइंटेड स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बन रही है। मैं आपको एक चीज़, जैसे भी आपने बात किया था कि जिन नेताओं को हम लेके आ रहे हैं जैसे ऑन द बेसिस ऑफ की पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो सिस्टम्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे कि जो यंग लोग हैं जैसे आप जिनको आना चाह पा रहे हैं वो क्यों नहीं आके इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इलेक्शन बहुत महंगे हो गए हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सवाल उठते रहते हैं कि कोई भी जो इंसान है जो पहले से पॉलिटिक्स में नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी पार्टी कैसे इस चीजों को, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसी बात नहीं है शाहिद साहब, हमारा फोकस है यंगस्टर्स पे, यूथ पे, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है, यंगस्टर तो हमारे फ्यूचर है, हमारा आने वाला कल है, और जहां भी हमको आज भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम कोशिश करते हैं यूथ को प्रमोट करने के लिए, इसके बगैर चारा नहीं है जब तक ना हम यूथ को प्रमोट करेंगे। और जहां तक आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, आप कह रहे हैं इलेक्शन में बड़ा ताम दाम वगैरह ये होता है, जाहिर सी बात है इलेक्शन में ज्यादा वो रहता है, हलचल ज्यादा रहती है, उसके बाद जो हारते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, लेकिन जो जीतते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है। देखिए, एक मिनिस्टर रोज अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप देखो ओवरऑल देखो, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अनडेवलपमेंट नहीं हुई है, आप देखो ना, आप 30 साल पहले 40 साल पहले देखो कश्मीर क्या था, 20 साल पहले कश्मीर क्या था। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, वहां कोई पहाड़ नहीं है जहां सड़क नहीं बनी है, एक पहाड़ मुझे दिखा लो जहां वो सड़क नहीं बनी, मैकडमाइज सड़क नहीं हुई है। आहिस्ता तरक्की तो होती गई है, लेकिन ओवरऑल हमने जो हमारी जैसे आपने कहा आजकल यूथ जो है वो बहुत ही ज्यादा वेल अवेयर है, अब अगर आप यही 30 साल किसी दूसरे देश के या किसी और जगह से कंपेयर करेंगे तो क्या सिर्फ सड़कें बनाना ही हमारी कामयाबी थी? आप आज देखिए कि अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, आज इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 300 में नहीं है, और हमारा तो यहाँ पर भी वो एजुकेशन सेक्टर उस तरह से खड़ा ही नहीं हो पाया। या अब आप देखिए कि रिसर्च फैसिलिटीज या बाकी सब चीजें, तो हम ज्यादातर मैंने यही सुना है पॉलिटिशियंस को आमतौर पे कि बस वो सड़कों के ऊपर इन चीजों पे बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली दीज आर द बेसिक्स, बेसिक्स देखिए, सुनो, देखिए ये तो हमारे सिस्टम में ऐसी कमियां हैं। आज आपका गवर्नर रूल है, आज मुझे बताओ आज आपके ब्यूरोक्रेट्स रूल पे है, क्या वो किसी की सुनते हैं, क्या वो मैं आपको एक चीज, मैं बताऊंगा उसका कारण ये है, यही लोग कल हमारे साथ होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर, और यहां एक सिस्टम गलत जो चला था उसकी अंडू एडवांटेज ली जाती थी, क्योंकि हम बड़े इश्यूज में फंसे रहते थे। अगर हम इन इश्यूज में फंसे रहेंगे, हमने 20 साल के बाद हमारा कश्मीर कैसा होगा, यहां के नौजवानों की हालत क्या होगी, यहां रोजगार पैदा करने के कोई साधन हम खड़ा करें जहां 20 साल हमें रोजगार, ये बेरोजगारी का मसला इतना ना बने, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं कर पाए जिनकी वजह से जो हम लोग हमारे नौजवानों को ये रोजगार कमाने के साधन पैदा कर लेता, ऐसे यूनिवर्सिटीज ने ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं खोले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खोले, इन पे हमारा फोकस नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। काश हम बड़े इश्यूज के बजाय फ्यूचर के बारे में सोचते, हम उस फ्यूचर के बारे में सोचे जिसका टोटल डार्क था,
वो डार्क, तो आपने डार्कनेस उसकी देखी आज कितनी डार्कनेस है। हमें यही सोचने की हमारी जो सियासतदान है नाकाबिल नाहाल नहीं है, लेकिन इनका फोकस कुछ और था। दे वर ब्लंकर्ड अबाउट दिस दीज प्रॉब्लम्स, इन्होंने इन चीजों को पनपने नहीं दिया। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आप एक ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो मैं दो क्वेश्चन में आपसे पूछूं। एक तो ब्यूरोक्रेसी किस तरह से आप हैंडल करेंगे जब आप लोगों की सरकार आएगी, क्योंकि एक पूरी देश में भी बात चल रही है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी अंग्रेज छोड़ के गए थे और उसके बाद वही खामियां रही हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे थी। दूसरी, एक बहुत बड़ी उम्मीद जाग गई थी लोगों को जब आपकी पार्टी पूरी दिल्ली गई थी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मिले, और ऐसा कुछ सुख बगावट थी कि शायद आप लोगों को कुछ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जा रही हैं। उसके बाद सारी बातें खत्म हो गई, तो ये इसमें दोनों, कुछ लोगों को बहुत होप थी कि चलो कुछ होगा, और कुछ लोगों को ये था कि कहीं सिर्फ ये अपनी पार्टी दिल्ली के लिए काम ना करने बैठे। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि वो मुलाकात कैसी रही, क्या रहा उसमें, क्या फ्यूचर के बारे में बात हुई, और लोग सोचे थे वो ऐसे ही। मैं आपको कुछ थोड़ा सा तफसील इसके बारे में बताऊं। एक तो ये हम किसी के एजेंट नहीं है, ये बिल्कुल जहनशीन करना, ना हम किसी की बेटी में, जैसे आपने कहा कि दिल्ली के बारे में दिल्ली के ही कर ले, बिल्कुल नहीं, हम किसी के एजेंट नहीं है, हम किसी की बीटीएम नहीं। यहाँ देख लीजिए पिछले पॉलिटिकल सेटअप को, जितने भी यहाँ रह चुके हैं वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की बीटीएम थी, चाहे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीडीपी कांग्रेस, चाहे पीडीपी बीजेपी, हर जगह एक दूसरे के बीच। और दूसरा, हमने क्या किया है, क्या अपनी पार्टी ने कोई गलत किया आज तक, जिसकी वजह से 370 गया, जिसकी वजह से 35 गया, जिसकी वजह से ऑटोनॉमी गई, जिसकी वजह से सेल्फ रूल गया, मुझे ये बताओ ना। हमने कुछ नहीं ऐसा किया है, ये मैं कन्वे करना चाहता हूं आपके आपके कैमरा के वजह वसाद से लोगों को, कि अपनी पार्टी किसी भी उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है जिसको ये कहें कि इन्होंने ये गलत किया है। हमने पार्टी बनाई, हम प्रधानमंत्री को मिले, हम होम मिनिस्टर को मिले, हम हर इस इंसान को मिलेंगे जिसको जिसका जम्मू कश्मीर के साथ वास्ता हो, क्योंकि हम किसी और के पास तो जा नहीं सकते। प्रधानमंत्री के पास गए, हमने उनके साथ बहुत विस्तार से 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली और पूरे जितने भी इश्यूज थे उनके साथ डिस्कस किए, और उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को तो यकीन दिया। हमने कहा स्टेट, कहता स्टेट मिलेगा आपको, हम आपको स्टेट वापस देंगे, यह आपके साथ वादा है, यह रिकॉर्ड है जिसका बाजाब्ता प्रेस नोट भी मिला, प्रेस नोट भी इसमें आया, प्रेस रिलीज आई, हर किसी पेपर और चैनल में आया। हम होम मिनिस्टर से मिले, उसके साथ इश्यूज उठाए, तो ये नहीं है कि हम कोई और चीज करने गए थे, जो बात हमने की हमने पब्लिक डोमेन में इसको रख। और इसी यही वजह था कि उस वक्त हम ये सोच रहे थे यहाँ लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिस्कनेक्ट है, यहाँ पुलिस अपनी ही एक हुकूमत है, ब्यूरोक्रेट्स तो यहाँ नौजबिल्ला गॉड खुदा बने हुए हैं, और कोई लोगों की कोई पूछता नहीं है लोगों को। उसके वजह से वो भी बातें थी जो हमने प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। जहां तक आपने बोला कि आपको कुछ देने वाले थे, मैं ये नहीं समझा देने वाले क्या थे हमें। यहां लोग कुछ हमारे बारे में उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इनको जी कौंसल बनाएंगे, इनके मिनिस्टर बनाएंगे, फिर एलजी के अंडर आएंगे। आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, आई कैन नॉट वर्क अंडर एनीबडी, I can work in a political democratic setup. That is, अगर कल चीफ मिनिस्टर बनता है, हो सकता है चीफ मिनिस्टर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि आप ये बनो मिनिस्टर बनो, एज ए मिनिस्टर आई कैन बी हिज मिनिस्टर, आई कैन नॉट बी एल जी मिनिस्टर, आई एम ए पॉलिटिशियन। कैसे लोग सोच रहे हैं कि एक सियासतदान आके यहाँ एडवाइजर बनेगा, एडवाइजर रहे ब्यूरोक्रेटों का काम है, कौंसल वगैरह, ये दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये हमारे खिलाफ हमको रेडिक्यूल करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए, हमारे खिलाफ हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इसमें साजिश की है, बीच बीच में मीडिया में बात चलाई, बीच बीच में और उसमें ये सोशल मीडिया में आज ये बनेगा आज वो होगा। हम खुद भी इसका अच्छे तरीके से मजाक बना रहे थे, हंसते थे, अरे आज किसी को फोन करके दोस्त, अरे आपको तो एडवाइजर चीफ एडवाइजर बनाया, ये इट इज ऑल। जहां तक वह ब्यूरोक्रेट्स का सवाल आपने वो बोला, अनफॉर्चुनेट है, मैं तो किसी दोस्त को अभी बोल रहा था पिछले हफ्ते दिल्ली में, मैंने कहा देखो भाई साहब ये गवर्नर रूल किसी और रियासत में होता तो आप देख लेते क्या ब्यूरोक्रेट्स कितने एब्सेंट होते हैं। आपके पास 2.5 साल करीब हो गए गवर्नर रूल यहां, आप बताए ना आउटपुट क्या है, ना वो किससे मिलते हैं, आपस में वो ताना वो है आपस में ताना खिंचाई, क्या बोलते हैं, खींचातानी चल रही है आपस में लोगों के साथ। वो नौजबिल्ला वो खुदा बने हैं,
कोई कनेक्शन लोगों को, और मजे से एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को, दे आर एंजॉय। कौन वो सियासतदानों की तरह थोड़ी अकाउंटेबल है, उनको तो अपने वक्त में प्रमोशन मिलेंगे, आगे बढ़ेगी। हमको तो 5 साल का टेस्ट होता है, हमारी परफॉर्मेंस को 5 साल के बाद लोग देखते हैं, इसका दोबारा करें रिन्यू या इसको कहें बाय बाय, दैट्स द डिफरेंस। उसमें सर एक और आखिरी सवाल एक पूछना चाहूंगा, आपने ये जो ओवरऑल जो सारा जायजा दिया, मैं चाहूंगा आप 3-4 मोटे पॉइंट बताएं कि क्यों लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन करें, स्पेशली यूथ, और आपके में क्या विजन उनको दे रहे हैं। और सर आपका मैनिफेस्टो बाकी पार्टीज के मैनिफेस्टो से अलग कैसे? अलग तो सबसे पहले तो अलग ये है, कोई ऑटोनॉमी, कोई सेल्फ रूल, कोई 370, कोई गे वदर बोल रहा है। हम 370 पे अफसोस बहुत है, नहीं होना चाहिए था, और जिस तरीके से किया गया आई डोंट थिंक कोई यहाँ दुखी नहीं होगा उसके बारे में, और जिस तरीके से लिया गया बिना पूछे वगैरह, इसमें हमें अफसोस है एज द सिटीजन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसका एक ये है कि इसका एक तरीका, इट हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, लेट्स वेट फॉर द डिसीजन। हमारा सबसे बड़ा ये है कि जो सजा अभी हमको मिला है, सबसे ज्यादा वर्ष सजा वो है, सजा तो बहुत मिली लेकिन एक सजा और मिला है, वो हमारे स्टेट के टुकड़े कर दिए गए, और हमको ऐसे नीचे किया कि हमको स्टेट से यूटी बनाया। ये सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने असासे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो जम्मू का है या कश्मीर का, क्योंकि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। कल तक तो हमारी इतनी आइडेंटिटी दुनिया में, आज तो हम कहीं के नहीं है। तो इसमें जब स्टेट आएगी, और वो सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है, उसके बाद इलेक्शन जब होगा, इलेक्शन में हमने 25 साल इलेक्शन से पहले, ये अभी बोला था जब यूटी बनी तो हम प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बोला 25 साल करो, लेकिन उन्होंने 15 साल कर दिया है, और ये तो स्टेट सब्जेक्ट है। कल इसको हम 30 साल भी कर सकते हैं स्टेट असेंबली में, अगर आपके पास इरादा हो करने का, आप उसके उसमें स्टेट सब्जेक्ट होने के में कहीं चीज़ें ऐसे नहीं जो है ही नहीं कहनी मुनासिब ही नहीं होता है कि जब तक ना सरकार बने ऐसे हम हवा में करेंगे। तो ये फिर उसके बाद लैंड प्रोटेक्शन आपका ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा डाउट्स ये है कि हमारी ज़मीन को खाया जाएगा। उसके बाद आपके पास है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज के बारे में हमने प्रधानमंत्री को बोला है, बड़ा ज़रूरी है, मेरी पहचान मैं कश्मीरी हूँ, ये जम्मू का गड़ोगरा है, वो सिख है, वो बुद्धिस्ट है, वो कुछ और है, हमारी पहचान हमारी होनी चाहिए। भाई साहब डेमोग्राफिक चेंज तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और इसके बारे में उन्होंने कहा नहीं है। उन चीज़ों पे लड़ाई लड़नी है, हो सकता है कुछ लोगों के जहन में हो हम कर लेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी इस पे कमर बस्ता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ना जम्मू के तशक्कुस को चेंज करने देंगे, ना कश्मीर के इस जगह को चेंज करने होने देंगे। तो ये है, उसके बाद हमारे पास ऐसी कि हमने अपनी इकॉनमी जो हमने वी हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स, पिछले एक हालांकि 30 साल से हम परेशानी के आलम में हैं, लेकिन इतना नुकसान हमें कभी नहीं हुआ है जितना लास्ट ईयर से अभी तक जो हमारा चल रहा है। इसके लिए हमने सोचना है कि इसको हम रिवाइव कैसे करें, हम अपने बिजनेस को रिवाइव कैसे करें, हम अपनी इकॉनमी को लिफ्ट कैसे करें, वो चीज़ों के बारे में हमारा एक ठोस प्रोग्राम है। जब हमने पार्टी लॉन्च की तो एक आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बड़े 30 से ज़्यादा कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन इनको हम एलोबरेट करके लोगों तक पहुँचाएंगे, और आई एम श्योर लोग जम्मू कश्मीर में हमको कल आपकी तरह हम भी इंशाल्लाह यही कोशिश करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो हम सब के लिए अमर और खुशहाली का हो। आपके साथ बातें बहुत करनी थी पर हमें वक्त की थोड़ा कैद है, मैं और शाहिद साहब इजाज़त देंगे। उस्मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया पी न्यूज़ में आने के लिए, और हम आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे। जाहिर सी बात है जो आपने बोला कि जब इनको एलैबोरेट करेंगे तो हम चाहेंगे कि आप हमारे मीडियम को भी यूज़ करें बताने के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी एलैबोरेट नहीं और जमीनी सतह पर लोगों के पास जाना। तो दोस्तों आज हमने उस्मान मजीद साहब से बात की और आप लोगों ने इनके ख्यालात सुने, और इन ख्यालात को जो है हमने आपको तक पहुंचाने की कोशिश की, तो आप इसके फाइनल जज तो जनता ही होगी कि उस्मान मजीद साहब ने जो जो बातें बोली, तो आप अपना फैसला जो है आगे आने वाले टाइम में इस पार्टी के साथ जुड़ के या इसकी क्रिटिसिज्म करके जैसे भी आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उस्मान मजीद साहब ने अपने पॉइंट्स बोले हैं और वो आगे भी उन्होंने वादा किया है कि वो लैबोरेट भी करेंगे और आगे भी हम इनसे दोबारा बात करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।